हेलो एवरीवन, मैं कल्पना। वेलकम टू माय चैनल, आपका अपना स्टडी अड्डा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर पूरा 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी हिंदी में कवर करने वाली हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों, हमारा जो मैथ है वो 6 का मैथ हमारा पूरा समाप्त हो चुका है और 7 का मैथ भी हमारा आधा हो चुका है। और डेली हम मैथ का एक चैप्टर साइंस का करते हैं। तो आज हम क्लास 6 का 6 नंबर चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले 5 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मैथ भी आपको 6 और 7 का मैथ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, एक बात और, मैंने कुछ ट्रिक के वीडियो डाले हैं छोटे छोटे जिसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक दी हुई है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, वो भी आप जाके देखिए। तो चलिए देखते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। देखते, कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। आपके पास जब जादू हो जाएगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से बदल सकते हैं। वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, तो वो आप खुद सोच लेना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आप किन वस्तुओं को बदलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। अब वही सब दिया हुआ है कि वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति होती तो हम क्या करते, पत्तियों का रंग बदलते, फूल को मुरझाने नहीं देते और अपने जैसे शरीर में कुछ हमें प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती तो हम कभी बीमार भी नहीं होते। और जैसे अब आप देखिए कि क्या होता है, अब कुछ आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। तो यही परिवर्तन तो ही है, ऐसा तो नहीं कि आप छोटे हैं तो छोटे ही बने रहे। आपका वजन भी बढ़ जाता है, आपका वजन कम भी हो जाता है, आप मोटे भी हो जाते हैं, तो ये परिवर्तन तो ही है सब। अब आप इधर पे देखिए कि क्या होता है, अब आप इधर पे देखिए, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब समझिए पहले आप। तो उत्क्रमित का मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, अब इसको अपन ने दूसरा, यानी इसको मान लीजिए आपका गोला है और इस एक गोल तार है जिससे हमने इसको व्रत बनाया हुआ है, एक तार से व्रत, और इस व्रत को हमने चेंज करके वर्ग बना दिया, ठीक है दोस्तों। और अब इस वर्ग को क्या आप फिर से व्रत बना सकते हैं, यानी जो अब तार से वर्ग आपने बनाया है कि इसको आप बिल्कुल पहले जैसा व्रत बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस क्रिया को हम उत्क्रमित क्रिया कहेंगे, यानी जो चीज़ पहले जैसी थी और उसे बदलने के बाद, फिर से उसे बदलने के बाद हम वैसे ही कर दें या की जा सके, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इधर देख पा रहे हैं कि एक लड़की एक गुब्बारा फुला रही है, यानी उसमें हवा भर रही है, तो क्या करती है, पहले तो उसका आमाप और आकार, यानी साइज और आकार उसका चेंज कर देती है, साइज बड़ा कर देती है। और पहले गुब्बारा इतना छोटा होता है, ठीक है, और उसका फुला दिया तो बड़ा हो गया। अब इसको फिर इसकी हवा निकाल देगी तो इसका फिर आमाप और आकार पहले जैसा हो जाएगा, यानी गुब्बारा फुलाना आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि यदि गुब्बारा फूट जाए आपका तो आप उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए, वो फूट जाएगा तो क्या पहले जैसे बनेगा, पहले जैसे फूल पाएगा? नहीं ना, तो वो उत्क्रमित नहीं होगी। अब आप आगे देखेंगे कि कागज़ दिया हुआ है, अब इसका हमने हेलीकॉप्टर बना दिया, यानी हवाई जहाज बना दिया खेलने के लिए, और कागज़ को ना तो कहीं से काटा है, जैसा कागज़ है वैसे ही उसको मोड़ दिया, और जब खेल लिया हमने तो उसको खेलने के बाद फिर से हमने कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। यानी कागज़ जैसा पहले था और वैसे ही बाद में हो गया, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। अब आप आगे देखेंगे कि जो आटा रखा हुआ है, गुथा हुआ, इससे हम रोटी बेलेंगे और रोटी को जब हम फिर से, मतलब उसको बनी बनाई रोटी को फिर से मिटा देंगे तो फिर से आटा बन जाएगी, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। यानी जो चीज़ पहले थी और उसको आकार दिया और फिर उसको पहले वाले आकार में कर दिया, तो वो क्रिया हमारी उत्क्रमित अभिक्रिया कहलाती है। अब इन्हीं चीज़ों को हम, अब इधर देखिए आप कि जो दिया हुआ है कि कागज़ पे हम हवाई जहाज का चित्र बनाए और उसको काट दें। हमने कागज़ पे चित्र बनाया और उसको काट दिया, देखिए आप इधर कैंची से काट दिया, तो क्या अब हमें कैंची से कटे हवाई जहाज को वापस कागज़ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। आगे देखेंगे कि रोटी दी हुई है जिसको बेल के सेक दिया गया, तो क्या सेकी हुई रोटी से आप वापस आटा बना सकते हैं? क्या वापस उससे अनाज के दाने बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यानी आटा से रोटी, सेकी हुई रोटी बन जाए
तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन अगर रोटी को बेल के रख दिया जाए और फिर उसको मिटा दिया जाए तो उससे हम उत्क्रमित मतलब उत्क्रमित आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो चलिए आगे कुछ समझते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कुछ परिवर्तन दिए हुए हैं। तो देखिए, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो अंडे को जब कच्चा है और उसको उबाल दिया तो फिर क्या उसको कच्चा किया जा सकता है, नहीं कर सकते, उसको फिर से कच्चा नहीं कर सकते, तो ये वाली आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं होगी। गाढ़े घोल से इटली, अगर गाढ़ा घोल है उसकी इटली बना दी तो ये भी आपका उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इटली से हम फिर से गाढ़ा घोल नहीं बना सकते। लेकिन गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, अगर कपड़ा आपका गीला है और आपने उसको सुखा दिया, ठीक है, और अब सूखे कपड़ा को फिर से गीला कर दिया तो फिर से वो गीला हो जाएगा, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए, ऊन से, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो इसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऊन से हम स्वेटर बुनेंगे और फिर उस स्वेटर को खोल देंगे यानी उधार देंगे तो वो फिर से हमारा ऊन के रूप में आ जाएगा, तो उसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहेंगे। अब आप इधर देखिए, अनाज से बनाया गया आटा, अब अनाज के दाने हैं उसको पीस दिया गया तो हम फिर से आटे से दाना नहीं बना सकते, तो ये भी आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध आपका उत्क्रमित अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब दूध ठंडा है उसको गर्म करेंगे और गर्म दूध है तो उसको फिर से ठंडा कर दिया आपने, तो वो आपकी उत्क्रमित अभिक्रिया हो गई। अब इसमें कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, मतलब डोरी आपकी, कोई डोरी दी हुई है, आपका कोई तार दिया हुआ है, उस तार, वो तार आपने गोल कर दिया और फिर उस तार को, तार को खींच के आपने लंबा कर दिया, तो यानी उत्क्रमित अभिक्रिया है। अब देखिए, कली से फूल, अभी वाला तो है उत्क्रमित, कली से जो फूल बनेगा तो ये वाला उत्क्रमित नहीं है। क्या फूल से कली आप फिर बना देंगे? नहीं बना सकते ना। दूध से पनीर, दूध से आपने पनीर बनाया, क्या पनीर से दूध बना सकते? नहीं बना सकते, तो ये भी आपका उत्क्रमित नहीं है। गाय से, गाय के गोबर से बायोगैस, तो गोबर से बायोगैस बनाएंगे लेकिन बायोगैस से गोबर आपका नहीं बनेगा, तो ये भी आपका उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। खींचे रबड़ बैंड से सामान साइज का रबड़ बैंड, आपके पास एक रबड़ होती है, आप उसको खींच देते हो फिर उसको छोड़ देते हो, वो अपने सामान साइज में आ जाती है, तो ये भी आपका एक उत्क्रमित अभिक्रिया होगा। और जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, कोई जमी हुई आइसक्रीम है उसको आपने पिघला दिया और वापस आप फ्रीजर में रख देंगे तो वो फिर से जम जाएगी, तो ये भी आपकी एक उत्क्रमित अभिक्रिया है। तो चलिए, आपको उत्क्रमित अभिक्रियाँ समझ में आ गई होगी, कौन सी उत्क्रमित अभिक्रियाँ होती हैं, कौन सी उत्क्रमित अभिक्रियाँ नहीं होती, काफ़ी उदाहरण दिए हुए जिससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आप परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे, तो बिल्कुल देखें। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, यानी कस दिया जाता है? नहीं देखा है आपने तो आप देख लीजिए कि आपका फावड़ा है और भी चीज़ें, कुदाल वगैरह दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी, लकड़ी का ये हत्था होता है इसमें इसको कस दिया जाता है, तो ये कस भी जाता है, निकलता भी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलाय है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। अब इधर आप बलाय, बलाय होता है दोस्तों गोल यानी छल्ला, बलाय का अर्थ क्या होता है? छल्ला। तो इधर आप देखिए कि इसके कहने का मतलब है कि इसमें हम एक बलाय कर देते हैं लोहे में और फिर क्या होता है कि जो ये लकड़ी का हत्था होता है इसको इसमें डाल देते हैं, जब ये लोहा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है यानी संकुचित हो जाता है, संकुचित मीन्स सिकुड़ जाना, तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और जब सिकुड़ जाएगा तो इस लकड़ी के इधर हत्ते में जोर से कस जाता है जिससे फिर बाद में निकलता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें यही दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया, जिसमें लकड़ी के हत्ते को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलाय का अमाप यानी साइज, अमाप आपको लिखे मिले ना कहीं तो आप कन्फ्यूज मत होना, उसका मतलब होता है साइज। अब मैं आपको आगे बताऊँ, अमाप लकड़ी के हत्ते के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। हत्ते को बलाय में फंसाने के लिए बलाय को गर्म किया जाता है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाए यानी फैल जाए। लोहे को जब हम गर्म करेंगे, किसी भी चीज़ को गर्म करें वो फैल जाता है, तो लोहे को भी गर्म करेंगे तो हल्का सा फैल जाएगा जिससे हम उसको, लकड़ी को उसमें फंसा देंगे और फिर जब उसको पानी डाल के ठंडा कर देंगे लोहे को तो वो उसमें धंस जाएगा। अब हत्ता आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, जब बलाय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्ते पर कस जाता है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है।
इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा चित्र में। तो चलिए बैलगाड़ी आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने अभी बैलगाड़ी भी नहीं देखी होगी, तो उसमें पहिया अकेला दिया हुआ है। अब देखिए आप जो लकड़ी का दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं, ऊपर से इसमें जो रिम जड़ देते हैं, रिम यानी गोल छल्ला इसमें जड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको लगेगा छल्ला छोटा है और लकड़ी का ये जो अंदर का पहिया है ये बड़ा है, तो आपको लगेगा ये कैसे। तो ये ऐसे होता है जैसे छल्ला है, छल्ला को गर्म कर दिया और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम जिस आकार में चाहेंगे मतलब थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं। लोहा जब अच्छा गर्म हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, और जब वो लाल हो जाएगा तो हम इसमें इसको चढ़ा देंगे, और जब इसमें चढ़ जाएगा तो इसको पानी डाल के ठंडा कर देंगे, और पानी डाल के ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा इसमें अच्छे से जम जाएगा, मतलब इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो फिर इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब आगे देखेंगे, यही सब इसमें बताया हुआ है। अब आप देखिए, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। अब यानी जल की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है, यानी वो भाप बन के उड़ जाता है, जल बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय पाँच क्रियाकलाप सात में हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप पहले अध्याय पाँच देखिए तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि मतलब बारिश कैसे होती है और जल बाष्प बन के कैसे उड़ जाता है, अध्याय पाँच में समझाया हुआ है। देखिए आगे, जल बाष्प ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ पिघलते हुए देखा है, बर्फ वो गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, क्या यह जल में वापस बर्फ में बदल सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि बर्फ है और उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगती है, तो क्या पिघली हुई बर्फ को हम वापस जमा सकते हैं, यानी बर्फ में बदल सकते हैं, वो मतलब पिघल जाएगी तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या जल को हम वापस बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम फ्रीजर में हम वापस रख देंगे तो वो वापस उसमें परिवर्तित हो जाएगी। अब चलिए ये बूझो डाउट में है, चलिए बूझो का डाउट खत्म करते हैं। बूझो ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी उसको टार कहते हैं, टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, अगर वो टार होता है जो उसको गर्म कर दिया जाए तो फिर से वो पिघल जाता है, और जैसा हम उसको आकार देना चाहें फिर हम उसको वैसा आकार दे सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है। अब पहली डाउट में है, तो चलिए पहली का डाउट खत्म करते हैं। पहली क्या कह रही है, पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। नहीं देखा है तो आप कहीं पर जाकर देख लीजिए। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तब वह लाल हो जाता है, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ गर्म करने पर। पहली बात तो वो लाल हो जाता है, और दूसरी बात हम उसको अपनी इच्छा अनुसार उसमें आकार दे सकते हैं, तो ये परिवर्तन होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे तो इसमें क्या है, आगे देखेंगे क्रियाकलाप साथ दिया हुआ है, तो चलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए, तो मोमबत्ती जलती हुई, एक बिना जलती हुई मोमबत्ती दिखाई गई है, तो इसमें क्या होता है कि आपने मोमबत्ती ली, आपने मोमबत्ती को जलाया तो मोम तो कुछ रह जाता है लेकिन इसका धागा पूरा जल जाता है। तो जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो आपका उत्क्रमित नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका धागा आप वापस नहीं ला सकते, तो उसको उत्क्रमित हम नहीं मानेंगे, यानी मोमबत्ती का धागा जल जाएगा। लेकिन अगर इधर आप देखिए कि जो ये मोमबत्ती नीचे से लगाए हुए इस प्लेट में मोम रखा हुआ है, तो इस मोम को जब हम पिघलाएंगे तो इसको हम उत्क्रमित कहेंगे, क्योंकि अगर हम मोम में ताप दें नीचे से यानी उसमें आग दे नीचे से, तो इसमें क्या होगा, मोम आपका पिघल जाएगा, मोम पिघलने के बाद उसको जब ठंडा कर दे तो वापस अपनी स्थिति ले लेगा, यानी वापस वो जम जाएगा। तो मोम का पिघलना हम उत्क्रमित कहेंगे और मोमबत्ती का जलना हम उत्क्रमित नहीं कहेंगे। बहुत कंफ्यूजन जवाब वो आंसर है, और इसको बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके उसमें क्वेश्चन आएगा ना आपका कि कौन सी क्रियाएं उत्क्रमित हैं, तो उसमें दोनों आंसर दिए होते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल क्लियर करके आना है। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप सात को, धूप बत्ती से दोहराइए।
तो अब इसमें क्या है, जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। अब धूप बत्ती तो जल जाएगी, तो वो तो जल ही जाएगी। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते, धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे, एक तो वो बढ़िया तरह की गैस जिसको हम खुशबू कहते हैं, मन भावना सुगंध मतलब आपको महसूस होगी छोड़ेगी, और दूसरी बात वो जब जल जाएगी तो कुछ राख शेष छोड़ देगी। तो अब उसको हम राख को वापस धूप बत्ती में तो नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अब देखिए इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुई जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया, तो माचिस की तीली भी दोस्तों जल गई है, उसको भी हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं कहेंगे। अभी हम इसमें परिवर्तनों को नियत वस्तु हैं इनके पदार्थ पर देखा है, जब दो पदार्थ एक मिश्रित के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे। देखिए अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। अब देखिए इसमें जैसे जल में नमक घोल दिया आपने, तो नमक जब हम जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, और नमक आपका जिसमें भी बर्तन में आप गर्म करेंगे तो उसमें रह जाएगा, और जब वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, जब वो बादलों में जाएगा वाष्प, जब वाष्प आपका ठंडा होगा तो उधर से संघनन की क्रिया करके वो बूंदों के रूप में वापस हमारे नीचे बारिश के रूप में आ जाएगा, मतलब संघनन की क्रिया से वो वापस आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि जब हम नमक घोल देंगे जल में और जल को वाष्प बना के और नमक को बर्तन में वापस पा लेंगे, और जो वाष्प उड़ जाएगी आपकी वो संघनन की क्रिया के द्वारा वापस आपकी बूंदों के रूप में आ जाएगी बरसात में, तो उत्क्रमित क्रिया होगी। अध्याय 4 में इसका मैंने अच्छी डिटेल से समझाया हुआ है, क्योंकि उसका काफ़ी डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो आप पहले अध्याय 4 देखिए, तो उससे आपको वाष्प वाली क्रिया और संघनन की क्रिया आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अंग देखते हैं, अध्याय 5 की क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बिल्कुल उसको उत्क्रमित किया जा सकता है। चलिए इधर देखते हैं, पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है, गुनगुने गर्म दूध से दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। तो बिल्कुल जब हम दूध जमाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा कर देंगे, और गर्म जगह पे यानी गर्मी में जल नहीं जमता है, तो गर्म जगह पर रख देने पर आपका दही में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि जब वो दही जम गया तो क्या उसको दही को हम दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या उसकी वापस स्थिति ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो उसको हम उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं करेंगे कहेंगे। अब देखिए आप इसमें देखिए, हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चार ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। सही बात है, काफ़ी अन्य विधियां हो सकती हैं। जैसे आपने गुब्बारे को फुलाया और उसको पिचका दिया तो उसका हवा निकल गया तो वापस वो अपनी साइज में आ गया। आपने रोटी बनाई उसको मिटा दिया, और जैसे हमने नमक और पानी का उदाहरण लिया तो उसमें हमें पहले तो वाष्प के जरिए उसको उड़ाना पड़ेगा, फिर संघनन के जरिए वो बादलों से वापस आएगा। तो काफ़ी उसमें अलग अलग विधियाँ होती हैं। आगे देखेंगे, इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित ना किया जा सके। तो परिवर्तनों को इन्होंने दो तरह से विभाजित किया, एक तो उत्क्रमित किया जा सके और दूसरा उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में यानी अब हम जो आगे की क्लासें हैं उनमें हम इसको बहुत ही डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। ये तो कुछ छोटा छोटा दिया हुआ है, क्लास 6 का बुक है, क्लास 8, 9 में जाएंगे, 9, 8, 9, 10 में, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उत्क्रमित अभिक्रियाओं को समझाया गया है। तो अभी आप पढ़ लेते हैं जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, प्रमुख शब्द परिवर्तन, कोई चीज चेंज हो जाए उसको हम परिवर्तन कहते हैं। संकुचन मीन्स दोस्तों होता है सिकुड़ना, वाष्पन मीन्स होता है वाष्प, प्रसार मीन्स होता है फैलना, और गलन मीन्स होता है गलना। गलन आपका उधर आ जाएगा जहाँ जैसे आप कोई बर्फ लिए हैं और आपने उसको थोड़ा गर्मी में रख दिया, मतलब उसका ताप बढ़ गया तो वो गल जाएगी, तो उसको गलन बोलेंगे। और प्रसार, कोई आपने धूप बत्ती जलाई और वो सुगंध फैला देती है तो उसको हम प्रसार कहते हैं। और वाष्प आप समझ ही गए हैं, गैस पे आप पानी रख देंगे उसको ताप दे देंगे तो क्या होगा, आपका पानी वाष्प बन के फैल जाएगा। संकुचन के लिए आप एग्जाम्पल देखिए कि जो आपका गुब्बारा है मतलब बलून है, उसको हम पहले फुलाएंगे और हवा निकाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा,
तो वो उसका संकुचन यानी वो सिकुड़ जाएगा, संकुचन हो जाएगा, परिवर्तन भी आप समझ गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ सारांश। तो सारांश में आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारांश में आप खुद आपसे खुद पढ़ने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि सारांश आपने आप पढ़ेंगे सारांश तो आपको उसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ें कुछ समझ में आ जाती हैं अपने आप से। हर चीज़ सुनने अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ चीज़ें खुद से याद करनी होगी, और बस उसमें सारांश कुछ नहीं दिया हुआ ज़्यादा। अब आप देखिए इसमें अभ्यास में भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया हो, कुछ क्वेश्चन दिए हुए और फिर इधर पे नीचे उत्कीर्ण अनुत्कीर्णीय अभिक्रियाएँ पूछी गई हैं, तो आप इधर पे कर लेना, आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा लोग साथ पढ़ेंगे तो दोस्तों अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक और नई उम्मीद के साथ, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।